Good morning. I hope you all are doing good and happy Janmashtami to all of you. As you know, today is Janmashtami and I will going to try to upload this video in the evening or at night. I got this pimple. As you know, my skin is so red. I washed my hair, face, I'm sorry. So I'm going to dress up because today is Janmashtami और बहुत मज़ा आता है जन्माष्टमी। अभी नहीं करे ना जन्म वाला पहले दिन का मंदिर जाना। तूने व्रत रखा है क्या? हाँ। अभी पहले तो नहीं। हम जाने नहीं। आपका भी फास्ट है? आप ये क्या बोल रहे हैं कि तुम कितने कितने बच्चे तो फास्ट रखते हैं? देखो कैसे ताने मार रहे। तो कचौड़ी तो बन चुकी है, अब इसके साथ खाली कचौड़ी कचौड़ी तो अच्छे नहीं लगेगी, सॉस या फिर खीर के साथ खाएंगे। सो आई एम ऑल रेडी, सो आई एम डन विद माय ड्रेस। एक्चुअली आई वाज थिंकिंग टू वेयर ट्रेडिशनल ड्रेस बट बिकॉज हमारी जो प्रेस है उसमें पता नहीं क्या हुआ, इलेक्ट्रिक कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो इट इज़ नॉट वर्किंग। तो इट्स बेटर टू ड्रेस अप लाइक जैसे नॉर्मल होते हैं, मुझे मजबूरी में वैसा होना पड़ा। पहले से डिसाइड नहीं करना चाहिए आप क्या करने वाले हो, क्या करना है, उसकी बैंड बन जाती है ऐसे प्लानों की। इसलिए ना सिंपल रहो, मत सोचो ज़्यादा। आज ऐसे ही मेरा कुछ बता दे कि इसका ड्रेस अप है। मुँह तो क्या है, किस लिए आज जन्माष्टमी है, दावत है आज? दावत है कान्हा जी का, हैप्पी बर्थडे, इसलिए ऐसे ड्रेसअप हुआ था। हाँ, और ये वहाँ इसकी दावत चल रही है, जो जिसको ये कह रहा है ना दावत दावत दावत, तो वहाँ चल रही है। ओके बाय, चल बाय कर दे, बाय कर दे, बाय बोल, बड़ा बदतमीज़ है, सुनता नहीं है। सो अभी रात को निकलना पड़ रहा है, यू नो, बिकॉज एक ही चीज़ को बार बार दिखाना इज़ नॉट गुड। दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग कि बाहर जाके मंदिर वगैरह दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर कैसा डेकोरेशन होता है, तो थोड़ा आपको भी मज़ा आएगा देखने में, तो इसलिए बाहर लिख रही हूँ। दिस इज़ ऑल डेकोरेशन विच इज़ डन बाय समवन, और जिसने भी करा अच्छा करा, ऑफकोर्स दे पुट देयर ऑल एफर्ट। जन्माष्टमी में ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो भी प्रोग्राम है ये हमारे घर के पास, मतलब कॉम्प्लेक्स के पास हो रहा है, ऑब्वियसली घर के पास तो है, तो मैंने सोचा कुछ खा लेती हूँ। एज यू नो बच्चों ने भी बेइज्जती कर दी कि मैंने फास्ट तो रखा नहीं है, तो अब क्या ही छुपाना, कुछ खा लेती हूँ। तो वी आर थर्स्टी, घूमते घूमते तो अब कोको कोला खरीदी है। हियर इज राधा एंड कृष्ण, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। यार मैं भी गलती से गया, गोइंग बैक क्योंकि आई एम फीलिंग डाउन, तो इसलिए जाना पड़ रहा है, बट आई हैव एंजॉयड, मज़ा आया वहाँ जाके। फर्स्टली मैंने सोचा था दैट नहीं जाना चाहिए, फिर मैंने कहा कि क्यों नहीं जाना चाहिए, जन्माष्टमी आता रहता है, आई डोंट नो। अब रोड पे ऐसे चल रही, वैसे यहाँ गली गली कुछ ना कुछ प्रोग्राम हो रहा है विच इज़ गुड, तो अभी आपको दिखाती हूँ। Let me show you. So I was shooting them and suddenly they started to stare me, which is so awkward. I was like why I'm filming that, but क्या करे, करना पड़ता है कंटेंट के लिए, क्या क्या करना पड़ता है। आज लगभग मैंने आपको अपनी कॉलोनी की सब कुछ, स्ट्रीट, मंदिर दिखा दिया है, एंड आई एम रोमिंग, वॉक करने के लिए सोचा वॉक कर लेती हूँ, बट इट्स
नॉट टू हॉट और नॉट टू कोल्ड वाला सीन चल रहा है, तो इस वजह से मैं आराम से घूम पा रही हूँ. और मैं ना यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कैप्चर एवरीथिंग जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम कि दे ऑल आर यूजिंग सॉन्ग्स, और अगर मैं सॉन्ग्स को लेती हूँ तो कॉपीराइट आएगा और एक एक को क्रेडिट देना फॉर मी इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल टाइप का लगता है. तो इट्स बेटर कि मैं म्यूट करके डाल दूँ वीडियो तो सही रहेगा. व्हाट आई नोटिस्ड कि ना मेरे जो ब्लॉग है वो 95% लोग देखते हैं और बहुत ही कम लोगों ने सब्सक्राइब करा है, विच इज़ नॉट यू नो मोटिवेशन नहीं मिलता आपको कि आपके सब्सक्राइबर तो इतने से है, लोग देखते इतने, यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को. एफर्ट तो लगता है ऑब्वियसली, आप इतना शूट करने के बाद उसको एडिट करने के लिए इट्स पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, प्लीज़ कर दिया करो सब्सक्राइब. मम्मी आपकी ड्रेस दिखा दीजिए, नाइस ना? किस टॉपिक पे आ गए? मेरी वीडियो थोड़ी डार्क आ रही है बिकॉज यहाँ पूरा अंधेरा हो रहा है. यार मैं ना आप लोगों को ना साइड में अपनी बहन का इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक दे देती हूँ, तो प्लीज़ उसको फॉलो कर लिया करो, वो भी मेहनत लगाती है, एफर्ट लगाती है, प्लीज़ यार कर दिया करो. कैसे करते हो तुम लोग छोटे लोगों को, तो कभी मतलब छोटे से जो होते हैं स्टार उनको फॉलो नहीं करते, दिस इज़ रियली बैड, प्लीज़ कर दिया करो. ये नंगे पैर घूम रही हूँ, चप्पल टूट गई. पार्क में बैठे, लुक एट दिस, ये पार्क में, सो लेट्स गो. आई एम टायर्ड और मेरी चप्पल भी टूट गई है, तो मैं पार्क में आ गई बैठने. ब्लॉग में सब लोग यू नो अपनी हर चीज़ बताते हैं और थोड़ा अजीब सा लगता है बताते हुए भी कि चप्पल टूट गई है, मैं पार्क में आ गई बैठने. लोगों को अच्छा भी लगता है, विच चलता है इतना तो. ऐसे लग रहा है भूतनियों की तरह झूला झूलो. यो वैसे गुड वाइब्स आती है जन्माष्टमी में, और हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन. आई होप आपकी जन्माष्टमी भी बहुत अच्छी जा रही हो. मेरा विश, मैं चाहती हूँ कि ना मथुरा में जाके एक बार जन्माष्टमी ज़रूर बनाएं, क्योंकि वहाँ आपकी जन्माष्टमी की अलग ही बचपना हर किसी के अंदर होता है. और मम्मी अचानक से झूला झूलने लग गई, उनको भी झूला झूलना अच्छा लगता है. और ये हमारा पार्क, वैसे हमारा नहीं है, अथॉरिटी का है, बट ऑब्वियसली हमारे घर के सामने, तो इसलिए मैंने ऐसे कहा. आई केम बैक एंड आई एम सुपर एग्जॉस्टेड. और तो ये एंड है, दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो. एंड वंस अगेन हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू, और मेरे फ्रेंड्स को भी हैप्पी जन्माष्टमी टू प्रीति, अनीता, सोनाली, निशा, पूनम एंड ऑल ऑफ देम जिनका मैं नाम नहीं ले पाई हूँ. हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू.